हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अगर आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल है तो आपको कोलेस्ट्रॉल को परहेज करने के लिए क्या खाना खाना चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी मेरे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब करें। कोलेस्ट्रॉल एक फैट केमिकल होता है जो आपके शरीर में कोशिकाओं में होता है। आपको बता दें कि कई अलग अलग कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने का काम करता है। दुर्लभ मामलों में लो कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर बेहतर होता है। एक स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम करने से आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसायुक्त तत्व है जिसका उत्पादन लिवर करता है। यह कोशिकाओं की दीवारों, नर्वस सिस्टम के सुरक्षा कवच और हार्मोन्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन के साथ मिलकर लीप प्रोटीन बनाता है जो फैट को खून में घुलने से रोकता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, पहला है एचडीएल और दूसरा है एलडीएल। एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल काफी हल्का होता है और यह ब्लड वेसल्स में जमे फैट को अपने साथ बहा ले जाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल ज्यादा चिपचिपा और गाढ़ा होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो तो यह ब्लड वेसल्स और आर्टरी की दीवारों पर जम जाता है जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है। इसके बढ़ने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए लिपिड प्रोफाइल नामक ब्लड टेस्ट कराया जाता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम डीएल से कम, एचडीएल 60 मिलीग्राम डीएल से अधिक और एलडीएल 100 मिलीग्राम डीएल से कम होना चाहिए। अगर सचेत तरीके से खानपान में कुछ चीजों को शामिल किया जाए तो बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को नियमित करने के लिए आपको कौन से आहार नहीं खाने चाहिए। पहला है, कोलेस्ट्रॉल में अंडे के पीले वाले हिस्से को न खाएं। ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल, जैसे मीट और अंडा। अंडे के पीले हिस्से में काफी कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए पूरे अंडे के बजाय अंडे का सफेद हिस्सा खाएं। आप मीट का भी सेवन बहुत कम करें। इसका ज्यादा सेवन न केवल आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेगा बल्कि आपकी चर्बी को भी बढ़ाएगा। तली भुनी चीजें खाने से बचें। ऐसे चीजों का बहुत कम सेवन करना चाहिए जो तली हुई हो। आपको बता दें कि तली भुनी और अन्य चिकनाई युक्त वाले खाद्य पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तली हुए खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से स्नैक्स और फास्ट फूड से बचें। ऐसे में जो लोग बहुत अधिक तली भुनी या चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं उनमें सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना होती है। पशु के मांस से दूरी भी है कोलेस्ट्रॉल में परहेज का एक मुख्य कारण। उन आहारों का खाना खाने से बचें जिससे सैचुरेट फैट की मात्रा ज्यादा होती है। सैचुरेट फैट या ट्रांस फैट युक्त भोजन करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है। ज्यादातर पशु के मांस में सैचुरेट फैट मिलता है, इसीलिए इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पशु के मांस के अलावा आप पनीर, दूध, मक्खन और चॉकलेट खाना भी कम कर दें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी 6 चीजें आपको खानी है कोलेस्ट्रॉल में जो आपके कोलेस्ट्रॉल को घटा सकती है। पहला है ड्राई फ्रूट्स। बादाम, अखरोट और पिस्ते में पाए जाने वाला फाइबर, ओमेगा 3, फैटी एसिड और विटामिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनमें मौजूद फाइबर देर तक पेट भरे होने का एहसास दिलाता है। इससे व्यक्ति नुकसानदेह फैट युक्त स्नैक्स के सेवन से बचा रहता है। फ्रेंड्स, आपको इसको कितना खाना होगा? प्रतिदिन 5 से 10 दाने आपको इसके खाने होंगे। ध्यान रखें कि घी तेल में भुने और नमकीन मेवों का सेवन ना करें, इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। बादाम, अखरोट को पानी में भिगोकर और पिस्ते को वैसे ही छीलकर खाना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। पानी में भिगोने से बादाम अखरोट में मौजूद फैट कम हो जाता है और
इनमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। अगर अखरोट से एलर्जी हो तो इसके सेवन से बचें। शारीरिक श्रम न करने वाले लोग अधिक मात्रा में बादाम न खाएं, इससे मोटापा बढ़ सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन में कई ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के अनुसार लहसुन के नियमित सेवन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 9 से 15% तक घट सकता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। आपको लहसुन कितना खाना होगा? प्रतिदिन लहसुन की 2 कलियां छिलकर खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ध्यान रखें, अगर लहसुन के गुणकारी तत्वों का फायदा लेना हो तो बाजार में बिकने वाले गार्लिक सप्लीमेंटर्स के बजाय सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाना ज्यादा अच्छा रहता है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है। अगर ऐसी समस्या है तो आप लोग लहसुन न खाएं। तीसरा जो है वो है ओट्स। ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकान नामक गाढ़ा चिपचिपा तत्व हमारी आंतों की सफाई करते हुए कब्ज की समस्या दूर करता है। इसकी वजह से शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण नहीं हो पाता। 3 महीने तक नियमित रूप से ओट्स का सेवन किया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 5% तक कमी लाई जा सकती है। आपको ओट्स कितना खाना होगा? एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 3 ग्राम बीटा ग्लूकान की जरूरत होती है। अगर रोजाना एक कटोरी ओट्स या 2 स्लाइस ओट्स ब्रेड का सेवन किया जाए तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में बीटा ग्लूकान मिल जाता है। ध्यान रखें, ओट्स में मौजूद फाइबर और बीटा ग्लूकान पेट में जाकर फूलता है। इससे कुछ लोगों को गैस की समस्या हो सकती है, इसीलिए जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर हो उन्हें इससे बचना चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों को नमकीन ओट्स का सेवन करना चाहिए। चौथा है सोयाबीन और दालें। सोयाबीन दालें और अंकुरित अनाज खून में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में लीवर की मदद करते हैं। ये चीजें अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। आपको इसे कितना खाना होगा? एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 18 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। इसके लिए एक कटोरी दाल और एक कटोरी रेशेदार सब्जियां जैसे कि बीन्स, भिंडी और पालक के साथ वैकल्पिक रूप से स्प्राउट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में होता है। सोयाबीन से बनी 2 चीजों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 5% तक कटौती की जा सकती है। इसके लिए एक कटोरी उबला हुआ सोयाबीन, सोया मिल्क, दूध या टोफू का सेवन आपको करना चाहिए। ध्यान रखें, यूरिक एसिड की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए दालों और सोयाबीन में मौजूद प्रोटीन नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको ऐसी समस्या हो तो आपको इन चीजों का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। पांचवा है नींबू। नींबू सहित सभी खट्टे फलों में कुछ ऐसे घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो स्टमक में भी बैड कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह में जाने से रोक देते हैं। ऐसे फलों में मौजूद विटामिन सी रक्त वाहिका नालियों को साफ करता है। इस तरह बैड कोलेस्ट्रॉल पाचन तंत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। खट्टे फलों में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तेज करके कोलेस्ट्रॉल घटाने में सहायक होते हैं। आपको इसे कितना खाना होगा? गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट एक नींबू के रस का सेवन आपको करना होगा। ध्यान रखें, चकोतरा बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत मददगार होता है, इसीलिए कुछ लोग इसे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से कुछ दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ दवाओं के साथ इसका बहुत तेजी से केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। छठवां है ऑलिव ऑयल। इसमें मौजूद अनसेचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्थिर रखने में सहायक होता है। यह आर्टरी की दीवारों को मजबूत बनाता है जिससे हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। यह हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है। रिसर्च से यह प्रमाणित हो चुका है कि अगर 6 सप्ताह तक लगातार ऑलिव ऑयल में बना खाना खाया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 8% तक कमी आ सकती है। ध्यान रखें, कुकिंग के लिए वर्जिन ऑलिव ऑयल और सलाद ड्रेसिंग के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए।
कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है। अगर आपको ऐसी समस्या हो तो इसके बजाय फ्लैक्स सीड या राइस ब्रैन ऑयल का सेवन आप कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल हाई ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित रखता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा दोनों चीज़ों का लेवल बहुत कम कर देती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कोलेस्ट्रॉल को काबू पाने के लिए हर्बल तेल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। यदि आप खाना बनाते समय तेल और घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसे तुरंत त्याग दीजिए। तेल और घी आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है, इसकी जगह आप खाना बनाते समय हर्बल तेल का इस्तेमाल कीजिए। हर्बल तेल में पका हुआ संतुलित भोजन खाकर आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि आपका कोलेस्ट्रॉल संतुलित भी रहेगा। कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल करने के लिए कम वसायुक्त डेयरी उत्पादनों का भी आप सेवन कर सकते हैं। क्रीम पनीर के बजाय कम वसायुक्त डेयरी उत्पादकों जैसे स्कीम्ड दूध, कम वसा वाले दही या कॉटेज पनीर का आप उपयोग करें। वसायुक्त दुग्ध उत्पादन के सेवन से न केवल कोलेस्ट्रॉल कम होता है बल्कि डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किन किन तेलों का इस्तेमाल करना होगा। सूरजमुखी, कुसुम, जैतून या मकई के तेल जैसे तेलों का उपयोग आप करें। ये तेल न केवल कोलेस्ट्रॉल घटाता है बल्कि इससे त्वचा में निखार आता है तथा ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। नारियल तेल का सेवन आपको बहुत कम करना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।